आज की कहानी में अभिनेता अक्षय खन्ना की जिंदगी के कुछ ऐसे राज हम आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अक्षय खन्ना ने अब तक शादी नहीं की, लेकिन उनके नाम बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुके हैं। कईयों के साथ तो उनके रिश्ते तय हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी नहीं की। कभी किसी अभिनेत्री ने उन्हें धोखा दिया तो कभी किसी के साथ रिश्ता तय हो जाने के बावजूद भी शादी ना हो सकी, और बाद में तो उन्होंने खुद ही शादी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने शादी क्यों नहीं की, इसका खुलासा भी उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था, और ये खुलासा चौंका देने वाला था। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद भी उन्हें वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे? आखिर कौन कौन थी वो बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियां जिनके साथ अक्षय खन्ना कभी रिलेशनशिप में रह चुके थे? आइए जानते हैं आज की कहानी में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ढेर सारी अनसुनी कहानियां लाते रहें। अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। अक्षय दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना और उनकी पहली पत्नी गीतांजलि के छोटे बेटे हैं। उन्होंने मुंबई के बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की थी। इसके बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई उन्होंने ऊटी के लॉरेंस स्कूल से की। अक्षय ने मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया और फिर साल 1997 में हिमालय पुत्र नाम की फिल्म से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। इसके बाद इसी साल इनकी फिल्म रिलीज हुई बॉर्डर, जो हिट हुई थी। इसके बाद वो ताल, दिल चाहता है, हमराज, हंगामा, हलचल, 36 चाइना टाउन, रेस, 30 मार खान, नो प्रॉब्लम, गांधी माय फादर, आक्रोश और मॉम जैसी फिल्मों में नजर आए। अक्षय खन्ना बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में वो सफलता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। साल 1997 में उन्होंने अपने पिता अभिनेता विनोद खन्ना द्वारा निर्देशित फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन लोगों ने उनके अभिनय की सराहना की थी। इस फिल्म के लिए अक्षय को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू के लिए सम्मानित भी किया गया था। साल 1997 में इस फिल्म के बाद उनकी दूसरी फिल्म बॉर्डर काफी सुपरहिट हुई थी, लेकिन ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। उन्होंने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की और क्रिटिक्स ने भी अक्षय की एक्टिंग को काफी सराहा था। फिल्म बॉर्डर के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अवार्ड में नामांकित किया गया था। इस फिल्म के बाद अक्षय खन्ना की किस्मत खुल गई। उन्हें ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित जैसी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला। साल 1999 में ऐश्वर्या राय के साथ उनकी आ अब लौट चलें और ताल दो फिल्में रिलीज हुई थी। इन दो फिल्मों में उनके एक्टिंग की काफी प्रशंसा की गई थी और रातों रात उनका नाम टॉप की अभिनेताओं में शामिल हो गया था। फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी उनकी पहली फिल्म दिल चाहता है साल 2001 में रिलीज हुई। इसमें उनकी एक्टिंग लाजवाब थी, लोगों ने उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया। साल 2002 में आई फिल्म हमराज में उन्होंने नेगेटिव भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर में एक नेगेटिव भूमिका के लिए अवार्ड से सराहा गया था। उन्होंने अपने करियर में कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया। साल 2003 में आई फिल्म हंगामा में उनके कॉमेडी किरदार को भी लोगों ने काफी पसंद किया। इसके बाद अक्षय खन्ना ने LOC कारगिल, हलचल, शादी से पहले, 36 चाइना टाउन, सलाम इश्क, नकाब जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये सब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाईं। साल 2008 में आई फिल्म रेस ने उनके एक्टिंग करियर की डूबती नैया को बचाया, लेकिन ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, इसलिए उन्हें इस फिल्म का ज्यादा लाभ नहीं मिल सका। इसके बाद उन्होंने 30 मार खान, नो प्रॉब्लम, मेरे बाप पहले आप, आक्रोश जैसी कई फिल्मों में काम किया। ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर ही थीं, इनमें टॉप के अभिनेता भी शामिल होते थे, फिर भी इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग एक अलग ही छाप छोड़ गई। साल 2012 के बाद जैसे वो बॉलीवुड से गायब ही हो गए, लोग उन्हें भूल भी चुके थे, लेकिन साल 2016 में अक्षय खन्ना ने फिल्म ढिशुम में बॉलीवुड में दोबारा वापसी की। इसके बाद उन्होंने माँ, इत्तेफाक, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, धारा 375, सब कुशल मंगल जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये सब फिल्में दर्शकों पर पहले जैसा प्रभाव नहीं डाल सकी। साल 2022 में फिल्म दृश्यम 2 रिलीज हुई, जो सुपरहिट साबित हुई।
इस फिल्म में अक्षय की एक्टिंग ने दर्शकों का ध्यान खींचा, लेकिन फिल्म सुपरहिट होने का सारा श्रेय अजय देवगन और फिल्म की स्टोरी के हिस्से चला गया। उनकी नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 20 मिलियन यानी 148 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई में उनका बहुत बड़ा फ्लैट है जहां वो रहते हैं। इसके अलावा पुणे और दिल्ली जैसे शहरों में भी उनकी प्रॉपर्टी है। वहीं उनकी कार की बात करें तो उनके पास ऑडी, बीएमडब्ल्यू और होंडा सीआरवी समेत कई कारें हैं। प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अगर बात करें उनके पर्सनल लाइफ की तो अभिनेता अब तक सिंगल हैं, लेकिन इनके साथ कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों के नाम जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐश्वर्या राय की। अक्षय खन्ना ने ऐश्वर्या राय के साथ आ अब लौट चलें और ताल मूवी में काम किया था। कहते हैं कि इन फिल्मों के दौरान दोनों बहुत करीब आ गए थे। आ अब लौट चलें की अमेरिका में शूटिंग के दौरान दोनों को लगने लगा था कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। दोनों के अफेयर की खबरों ने मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। तब ऐश्वर्या इंडस्ट्री में नई नई थी। दोनों करीब एक साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन तभी ऐश्वर्या ने सलमान खान के साथ हम दिल दे चुके सनम साइन कर ली और उनकी लाइफ में सलमान की एंट्री हो गई और ऐश ने अक्षय के साथ दूरियां बनानी शुरू कर दी। इस तरह ऐश्वर्या के साथ अक्षय खन्ना के रिश्ते पर ब्रेक लग गया। अक्षय खन्ना से तो करिश्मा कपूर की शादी करवाना चाहते थे रणधीर कपूर। जी हाँ, ये सच है कि एक मौका ऐसा भी आया था कि करिश्मा और अक्षय शादी के बंधन में बंधने वाले थे। खुद रणधीर कपूर अक्षय खन्ना से करिश्मा कपूर की शादी करवाना चाहते थे। उन्होंने तो विनोद खन्ना के पास बेटी की शादी का रिश्ता भी भेज दिया था। विनोद खन्ना को भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन करिश्मा की माँ बबीता बेटी की जल्दी शादी के खिलाफ थी। दरअसल उस समय करिश्मा का करियर एकदम पीक पर था और बबीता चाहती थी कि करिश्मा उस समय सिर्फ करियर पर फोकस करें, लिहाजा अक्षय और करिश्मा की शादी नहीं हो पाई। रिया सेन के साथ भी रहा था रिश्ता। करियर के शुरुआती दिनों में अक्षय का रिश्ता रिया सेन के साथ भी जुड़ा था। दोनों ने कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट भी किया था, लेकिन बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। तब रिया सेन से ब्रेकअप के बाद जब अक्षय खन्ना से इस बारे में सवाल किए गए थे तो उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। अक्षय खन्ना ने एक इंटरव्यू में खुद ये बात बताई थी कि मुझे लंबे समय तक एक ही रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं है। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि उन्हें शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शादी के बारे में पूछे जाने पर अक्षय ने कहा था, कोई भी जिम्मेदारी मुझे डराती है। पता नहीं क्यों अक्षय का फिल्मी सफर वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। अब वो फिल्मों में साइड रोल तक सिमट कर रह गए हैं। दोस्तों, आपको अक्षय खन्ना कैसे लगते हैं और उनकी कोई फिल्म या कोई डायलॉग आपको पसंद हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ढेर सारी अनसुनी कहानियां मिलती रहें।